तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी मैं हूँ, देख सकते हो, रायपुर में हूँ अभी मैं। और रायपुर का वेदर कुछ ऐसा है कि चारों तरफ घटे ही घटे हैं और काले काले बादल। तो अभी मैं हूँ रायपुर में अपने रूम में। तो ये वाला वीडियो आप सभी ने काफ़ी मुझसे पूछा था कि वीडियो किससे बनाते हो, कैमरा कौन से यूज़ करते हो, एडिटिंग किस में करते हो, माइक कौन से यूज़ करते हो, ये सभी चीज़ें। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा मेरे सभी जो ब्लॉगिंग सेटअप है, मान के चलो ब्लॉगिंग सेटअप ही है मेरे, छोटे से हैं जो भी है, तो आप सभी को बताऊंगा। और हमारी मनाली वाली ट्रिप आप सभी ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर जरूर देख लीजिए। आई बटन पर भी शो हो रहा होगा तो ज़रूर देख लेना। तो आप सभी को मेरा ब्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं रूम में। मैं सभी सामान वगैरह मैं रूम में निकाल के रख चुका हूँ, जो भी ब्लॉगिंग सेटअप है मेरे। तो चलिए दिखाता हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉगिंग सेटअप। अरे यार, लाइट नहीं है क्या यार? लाइट भी गोल हो गया लगता है, लाइट भी नहीं है। तो ये मैं रखा था सामान निकाल के आपको बताने के लिए। तो अभी तो यहाँ से चलते हैं ऊपर में, दिखाऊंगा आपको। ये मेरा लैपटॉप का बैग है, ये मेरा लैपटॉप है और इसी में मेरा सभी सामान है। और ये मेरा मनाली वाला टोपी, तो इसको रखता हूँ साइड में। अभी अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, चलते हैं यहाँ से यार। तो हम अभी ब्लॉगिंग सेटअप हमारा लेके चलते हैं। इस बैग में मेरा सभी सामान है और ये मेरा लैपटॉप। तो चलते हैं अभी ऊपर, क्या है अंधेरा था, नीचे लाइट नहीं है, तो ऊपर छत में आप सभी को अच्छे से दिखेगा और दिखाऊंगा आप सभी को हमारा ब्लॉगिंग सेटअप। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं हूँ अपने छत में, छत के ऊपर अभी देख सकते हो बैठा हूँ। और ये वाली जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ रोशनी भी है और रूम में लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा मुझे आप सभी को बताने के लिए। और बारिश भी हुआ है तो थोड़ा सा गीला वीला है। सबसे पहले मैं बताता हूँ अपना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता और अच्छा और टिकाऊ है। ये मेरा है सेल्फी स्टिक, जिसमें मैं कैमरा वगैरह यहाँ से फंसा के वीडियो शूट करता हूँ और कैमरा ऐसे सेल्फी ले सकता हूँ। और इसके तीन पैर भी हैं, तो ये हैं, इसको ऐसे भी करके मैं ले सकता हूँ स्टैंड करके, जैसे कोई नहीं रहता मेरे पास, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट चीज़, सेल्फी स्टिक। सेकेंड, ये मेरा आता है पावर बैंक, जो कि 1000 में मैंने लिया था। इसको 10000 एमएच का, ये रियलमी का है और काफ़ी अच्छा है। ये मेरा हेल्प बहुत करता है भाई, क्या है जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ और मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाता है तो इसमें चार्ज कर लेता हूँ और ये अच्छा है, तो इसको भी साइड में रखता हूँ। इसके बाद मेरा आता है, जो कि ना होता तो मेरा एडिटिंग वगैरह ना होता, तो ये है मेरा डेल का, जो कि आप सभी देख रहे होंगे। ये है मेरा डेल का लैपटॉप, जो कि मेरे पापा ने इसको 2018 में, मेरा कंप्यूटर था पहले, इससे पहले मेरे पास कंप्यूटर था, उसको बेच के इसको लिया। इसको लेने का वजह ये है कि मैं जगदलपुर में पढ़ता था, तो जगदलपुर में मुझे याद है उस टाइम मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और उस दिन एनाटॉमी का एग्ज़ाम था, एनाटॉमी का। तो उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, सुबह मैं रेडी वेडी होकर जाने वाला था। उस दिन मेरे पापा ने कॉल किया मुझे और बोला कि लैपटॉप लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं था कि लैपटॉप तुरंत लेंगे, ऐसा मेरे को पता नहीं था। चाचा के साथ चले गए और शाम तक सुबह कॉल किया मेरे को, लैपटॉप लेना है, शाम को लेके आ गए। तो मेरा ये है लैपटॉप, जो कि ये भी मेरा ब्लॉगिंग बनाने से पहले इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया था, तो इसको भी बनवाना पड़ा। और इसमें खर्च ये किया मैंने, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो वो मेरे पास तो चलता है, बट इसमें नहीं चलता। क्या है, इसमें 1 बिट का हार्ड डिस्क है और जहाँ 4 GB का रैम है, तो उसको 4 GB और कराया तो 8 GB हो गया। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सही चल जाता है, अभी एडिट वगैरह कर लेता हूँ। जो आप सभी बोलते हो एडिट किस में करते हो, तो देख लीजिए लैपटॉप में ही करता हूँ। ये मेरा i3 7th generation का लैपटॉप है, तो इसको रखता हूँ साइड में। तो इसके बाद आता है मेन, मेरा थंबनेल किससे बनाता हूँ। तो सस्ता और टिकाऊ और कुछ महंगा फ़ोन है भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और ये ओ भाई ATM, पैसा ही पैसा हो गया। ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये मेरी बहन का मोबाइल है। तो इसमें मैं थंबनेल बनाता हूँ, मतलब लैपटॉप में मेरे पास थंबनेल बनाने का आइडिया नहीं है, तो थंबनेल इसमें बना लेता हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा सही है भाई, मोबाइल अच्छा है, रियलमी का है 7 Pro, 6 GB रैम है और 128 GB इंटरनल है इसका। तो ATM का मैं रख लेता हूँ और पैसा वैसा नहीं करूँगा, तो इसको भी साइड में रखता हूँ। अब इसके बाद आता है मेरा, जो कि ये बोया का MM शॉटगन माइक,
ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी तो इसमें घर में हूँ तो नहीं है, जैसे मैं ज़्यादा लोग पब्लिक रहते हैं आवाज़ ज़्यादा आता है तो इसको यूज़ करता हूँ। इससे क्या है, इसको कैमरे में भी यूज़ करते हो, फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों के लिए काम आता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वगैरह नॉइज़ जो भी रहता है उसको हटा देता है, ये आवाज़ जो रहेगा आपका क्लियर रहता है। तो ये यूज़ करता हूँ, आप सभी को लेना चाहिए। इसको मैं अमेजोन से परचेज़ किया था, जो कि मेरे को पड़ा था 1700 कुछ पड़ा था, 1600 कुछ पड़ा था, तो 1700 मान के चलो। उसके बाद इसको भी आप साइड में रखता हूँ, ये मेरे को 1700 पड़ा था। तो आप सभी को अगर चाहिए तो बोया का M1 भी ले सकते हो। ये मेरे पास दो था, मतलब एक पहले और था सोना खान में जो कि गुम हो गया, तो इसको फिर से मैंने बाय किया और ये फिर लिया मैंने। तो ये सब तो हो गया, अब और क्या बच्चा मेरे पास, और क्या सामान है इसमें देखता हूँ, और तो कुछ नहीं है। बट ये मेरे पास एक हेडफोन और चार्जर, ये है मेरा हेडफोन जिसमें मैं साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ, और इसमें जैसे एडिट करता हूँ तो साउंड वगैरह इसी में चेक करता हूँ, मेरा छोटा सा हेडफोन। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा कैमरा जो कि वो है, तो आपको कैमरा दिखाता हूँ मेरा कि इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेन है ये कैमरा, जो कि आप सभी ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछे थे कि कैमरा कौन सा यूज़ करते हो, माइक कौन सा यूज़ करते हो, सभी तो मैं बता दिया। अब बज गया कैमरा, तो आपको कैमरा बताता हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ कैमरा। तो भाई आप सभी बोलते हो कि किस में बनाते हो, तो देख लो मैं इस मोबाइल से बनाता हूँ, आईफोन 12 से, और ये मैं वीडियो रियलमी से बना रहा हूँ, तो क्वालिटी कैसा है बता देना, अच्छा ना हो तो भी चला लेना। तो ये है मेरा आईफोन 12 128 GB। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो ये मेरा आईफोन से है, तो क्या इसमें क्वालिटी अच्छा नहीं रहता इसमें बनाया, आप सभी को मोबाइल तो बता दिया, अब उसके बारे में बता देता हूँ। तो आईफोन मैंने लिया था अपने पुराना जो फ़ोन था उसको बेच के, और थोड़े बहुत पैसे मैंने दोस्तों से उधार मांगे और पापा से थोड़ा बहुत पैसा लेके मैंने डाउन पेमेंट किया, और इसके ये वाला मोबाइल मैंने लिया। तो ये मेरे को मोबाइल पड़ गया थोड़ा महंगा, तो किस्त में इसको कर दिया मैंने, तो अभी किस्त पटाता हूँ। और मैंने इसके लिए घर से ही थोड़े थोड़े ले लेता हूँ, और सोचा हूँ कि YouTube से जल्द थोड़ा ग्रो हो जाए चैनल तो कर लूँ। तो आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा अपना भी चैनल शेयर वेयर करना, और ऐसी सपोर्ट कर देना जो कि आप सभी ने अभी तक बहुत सपोर्ट किया, ऐसी सपोर्ट आप करिए। और अपने भाई को थोड़ा सा और सपोर्ट कर देना, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो हो और अच्छे से बने, और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं लेके आते रहूँगा। और जो कि अभी आप सभी ने देखा होगा मनाली वाला ट्रिप, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या नहीं है तुम नहीं पता, आप सभी मुझे बताना। तो वीडियो को जाकर जरूर देखना अगर आप सभी ने नहीं देखा मनाली वाला ट्रिप। तो अभी मैं अपना सभी सामान बता दिया जो मैं व्लॉग बनाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, और मेरा कैमरा भी जो कि आप सभी को बता दिया मैंने, तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो ये वीडियो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये छोटा सा मेरा सेटअप है जो कि मैं ब्लॉग बनाते वक्त यूज़ करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना अपने भाई को। वीडियो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो भी मैं सामान वगैरह यूज़ करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में पूरा आवाज़ कर रहा है मिट्ठू, इधर देखना चुपचाप। लड्डू का KTM देखो रे भाई, क्या पलक है ना? दे एले, एले, बच्चे लोग शैतानियां मत करो। नो ऐसे कर, एक बार कर, क्या करेगी एक बार, तेरे को क्या करना है इतना। क्या इतना ऐसे नहीं करते, ऐसे पकड़ते हैं इसको ऐसे। फाइनली मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, और ये लास्ट वाला बचा है जो कि अभी करूँगा, और ये मेरा अभी जो देख सकते हैं 12 बजने को है, तो अभी एक्सपोर्ट भी करना है। तो आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, आप सभी को लाइफस्टाइल चाहिए या फिर ब्लॉगिंग चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी 1 घंटा और लग जाएगा, 2 घंटा और लगेगा, फिर ये वीडियो आप सभी को कल सुबह 8 बजे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय।